अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ। इस वक्त मैं क्वेटा में हूँ और मेरे कज़न्स रहते हैं लाहौर में। मैं निकल रहा हूँ कोच के लिए, जा रहे हैं लाहौर, और वहाँ पहुँच के मैं अपने कज़न्स को सरप्राइज़ दूँगा। तो कज़न्स वही मौके रकीब डिसन स्क्वाड, तो मैं वहाँ पर जाके पहुँच के उनको सरप्राइज़ दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉट। अच्छा, इस वक्त मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पे सब लोग खामोश हैं, और अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सब लोग मुझे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और बस बहुत अच्छी जा रही है, बहुत स्मूथली जा रही है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, और रास्ते में धुंध भी है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी उसका सीन। मौकिर और सकीब लोगों को नहीं पता कि हम लोग आ रहे हैं, सिर्फ उपो को पता है। और जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, अभी ये नहीं सोच नहीं पता किस तरह मतलब सरप्राइज़ कैसे दें, लेकिन वहाँ पे पहुँच के उनको सरप्राइज़ दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। मैं इस वक्त लाहौर पहुँच गया हूँ और मौसम अच्छा है, आप पीछे देख सकते हो ग्रीनरी। इधर बलोचिस्तान के मुकाबले में अभी तक इधर ग्रीनरी की इधर मौसम अच्छा रहता है। और पहुँच गए, रास्ते में फॉग थी, मैंने सोचा उधर सीन बना लूँ, सीन बनाए मैं। अभी इस तरह है, ये घर है कज़न्स का, ठीक है। अब मौकिर नहीं है, सकीफ अंदर है, तो मैं फ्रंट उससे बना के मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिएक्शन, ठीक है। ये वैसे पहुँच गया, आप देख ले कितनी प्यारी जगह है। हाय बोल दो, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं सकीब को सरप्राइज दे दिया, अभी बारी है मौकिर की। मौकिर अभी स्कूल से आएगा तो वो इस गेट से दाखिल होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर कैमरा अपना स्टैंड फिक्स करके कैमरा स्टैंड के पीछे खड़ाऊंगा और फिर उसको सरप्राइज दूंगा। मैं तो कैमरा स्टैंड फिक्स कर लेता हूँ इधर। कैसा लगा मेरा सरप्राइज यार? मुझे तो लग रहा था तू 3-4 दिन बाद आएगा। जाओ अंदर, एक और सरप्राइज है वो भी देखो। अंदर नए लोग। हाँ जी, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो बहुत अच्छा था। मेरा आखिरी एग्जाम था, मुझे लगा था कि आखिरी एग्जाम था, 2 या 3 दिन बाद आने वाले हो, और मैंने कहा था शायद मैं पिक करने आऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी एग्जाम देके आया ही, और जैसे ही दरवाजा खोला टाटा सामने खड़े थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ये सामने खड़े है, मतलब अजीब सा लग रहा था ना, मतलब था कि यार ये कैसे आ गया, ना किसी ने बताया ना कुछ, एकदम से मजेदार था, अनएक्सपेक्टेड था। Good one. और आप क्या कर रहे थे जब मैं बेड में लेटा? मैं बेड में आराम से लेटा सोने लगा था। ये तो होगा। मैं सोने लगा था तो यहाँ से ये ऐसे टपका रहता सरप्राइज, मेरा कोई और हो, मेरा ऐसा रिएक्शन होया, मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही वीडियो में देख लेना। हाँ जी, तो अभी हमारी कोलैबोरेशन होगी, आप वीडियोस देखिए मजीद, और टू बी कंटिन्यू।